नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नेहटौर क्षेत्र के गांव बैरम नगर में मोबाइल की दुकान पर गांव के ही कई युवकों ने आकर तोड़फोड़ करते हुए दुकानदार पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त समाचार के अनुसार क्षेत्र के ग्राम बैरम नगर निवासी मोहम्मद फैसल ने गाँव में ही रोडवेज बस स्टैंड के पास मोबाइल की दुकान खोल रखी है। आरोप है कि गांव के कई युवक उसकी दुकान पर आए और बिना वजह के गाली गलौज करने लगे। जब उसने उनका विरोध किया तो आरोपी युवकों ने दुकान में तोड़फोड़ करते हुए धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दुकान में रखे मोबाइल भी तोड़फोड़ डाले और गले में रखे 6,000 रुपए लूट कर ले गए। आसपास के लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल को CHC में भर्ती कराया, जहां से उसकी हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। नेहटौर से हमारे संवाददाता मोहम्मद फैजान की रिपोर्ट। वहीं के शहर के लोकल के एक मोहम्मद जाकिर था, एक नसीम था, सुहेल सलमान था, ये आपस में भाई है और कुछ लोगों के साथ थे। थाना कौन सा लगता आपका? थाना नेहटौर। क्या पहले भी आपका कोई विवाद हो चुका है इनसे? नहीं, नसीम और हमारा पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल जी, क्या हुआ आपके साथ? मैं दुकान पे बैठा था, अपनी दुकान खोल जाता हूँ सुबह रोज, दुकान खोल के 9:30 बजे बैठा था। वहाँ 3-4-5 लोग आए, उन्होंने पहले एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर वार करा, जो दुकान के अंदर माल मटेरियल था तोड़ फोड़ कर माल मटेरियल सब भर के ले गए। कहाँ की दुकान है आपकी? मोबाइल की दुकान है। कहाँ पर? बैरम नगर में। क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? परिवार सदनों को पता होगा, मैं बेहोश था, अब यहाँ तक कुछ हो रहा है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।